पार्टी बिलीव की सक्सेस पार्टी पर कोई जो अल्फाज अभी रह गए हैं और आप चाहते हैं कि अब तो मैं बोलना ही चाहता हूँ, प्लीज आपको सुनना ही। डेफिनेटली इस फिल्म के संगीत के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि जो एक प्लेटफॉर्म उत्तम जी और आनंद बख्शी साहब ने जो सेट किया था, उस प्लेटफॉर्म को आगे ले जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड आई थिंक मिथुन सर ने इतना बढ़िया काम किया है, जो ओल्ड सॉन्ग्स थे उनको इतना करेक्टली रिक्रिएट किया है कि एवरी जनरेशन इज़ लाइकिंग इट। जिन्होंने गदर फर्स्ट को थिएटर्स में देखा था, जिन्होंने गदर फर्स्ट थिएटर्स में शायद नहीं भी एक्सपीरियंस किया, री रिलीज में एक्सपीरियंस किया, वो जनरेशन को भी इतने पसंद आ रहे हैं गाने। एंड जो नए गाने हैं दिल झूम, चल तेरे इश्क में, चल तेरे इश्क का एक किस्सा बताऊंगा आपको, फर्स्ट डे फर्स्ट शो गिटी में हम देखने गए थे, एंड आई थिंक ये पहली बार मैंने गदर वन में ये ज़रूर देखा था, बट पहली बार मैंने देखा है कि एक नए गाने को जो रिलीज़ भी नहीं हुआ है यूट्यूब पे, उस गाने के पहले दो लाइंस पे थिएटर एकदम खड़ा हो गया, तालियां सीटियां बज गई गाने, क्योंकि वो जिस मोमेंट पे भी आता है कहानी के, प्लस उसके जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा हिट किया हमारी इंडियन पब्लिक को कि वो ताली सीटी उस पर बजनी थी। एंड जब तक गाना वीडियो के फॉर्मेट पे नहीं आया यूट्यूब पे, तब तक पीपल वर टैगिंग मी एंड सिमरत ऑन रील्स एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो कि वी आर गोइंग टू द मूवी टू वॉच द सॉन्ग सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस द सॉन्ग विद द कोरियोग्राफी एंड विद द प्रॉपर साउंड। तो ये बहुत ये पहले सुनते थे हम कि लोग गाना देखने जा रहे हैं पिक्चर में और एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, तो इट्स अ टेस्टमेंट टू हाउ बिग ऑफ सक्सेस दिस म्यूजिक एल्बम ऑफ द अदर टू इज। एंड आजकल क्या होता है, गाने बस एक हफ्ते के चलते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ सॉन्ग्स आ गए हैं, बट जो एल्बम इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ सईद कादरी जी ने लिखा है और इन्होंने उसका म्यूजिक किया है, और उदित जी और भी जो सिंगर्स हैं, नीति मोहन जी, अरिजीत सर और सुखविंदर जी, अलका जी, ये सब ने जो उसमें वॉइस दिया है, अपना जो किया है, हम एक्टर्स को भी बड़ा मज़ा आया परफॉर्म करने में, एंड ऑडियंसेस को भी उतना ही मज़ा आ रहा है, और आई एम श्योर ये गाने लाइफ लॉन्ग। मिथुन, आपका और सईद कादरी जी का कुछ मैजिक साथ में होता है।